عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد سامعين الكرام نكاح جو کہ ایک امر ہے جس کی پر دلائل وارد और जिसका मसनून होना नबी अक्रम अलैहि वसल्लम की से साबित है जिसकी तरगीब नबी अक्रम अलैहि वसल्लम ने दी है और यह अम्बिया कराम का शेवा है अलबतः निकाह के कुछ ऐसे भी उमूर हैं कुछ ऐसे भी अकसाम हैं जो शर्न ग़लत और हराम हैं जिनसे शरीय ने रोका है उन निका से बचना शर् तौर पर वाजिब है और उसमें मुलविस होना हराम है उनमें से एक किस्म है तलाक़ की नीयत से निकाह करना इससे पहले निकाह मुता के सिलसिले में हमारी गुफ्तू हुई जिसमें हमने निकाह मुता की ये तारीफ़ की थी ये बताया था कि निकाह मुता वो निकाह है जो एक महदूद मुद्दत के लिए किया जाता है शरीयत ने उस निकाह को हराम और बातिल करार दिया है एक नई किस्म है जो कि कुछ अरसे पहले माजी करीब में बाज बाज़ल ने इसको जायज़ करार दिया था तलाक की नीयत से निकाह करना उसकी सूरत यह है कि कोई शख्स मिसाल के तौर पर कहीं काम करने के लिए आया जैसे कोई मुंबई में जॉब करने के लिए आया या कोई यहाँ से बाहर तालीम हासिल करने के लिए गया उसे इल्म है कि वो कम अज़ कम तीन साल चार साल वहाँ रहेगा मुमकिन है ज़्यादा भी रहे ये भी मुमकिन है कम रहे लेकिन एक जो उसकी उसने नीयत की है रहने की जो मुद्दत उसने तय की है वो चार साल तीन साल पाँच साल की है अब उसका इरादा है कि वो यहाँ किसी से निकाह कर ले साथ ये भी इरादा है कि जब कभी वापस जाने लगे तो उसे तलाक दे करके जाएगा निकाह और तलाक का एक साथ इरादा है यह पहली बात दूसरी बात कि एक खास मुद्दत तक साथ रहने का इरादा है तो इसीलिए इसको तलाक की नीयत से निकाह करना इसका यह उनवान रखा गया तलाक की नीयत से निकाह करना निकाह से पहले यह नीयत है कि हम तलाक देंगे कब देंगे यह मुद्दत आखिरी जो है मुतयन नहीं है लेकिन यह है कि हम तलाक देंगे इसको बाज लोगों ने एक जो सैर व वाला निकाह इसका भी नाम दिया है कि सैर का निकाह है यह कहीं गए घूमने के लिए दो महीने रहना है पांच महीने रहना है अब खबर नहीं दी सामने वाले को और निकाह कर रहे हैं ये निकाह इन अयाम में भी हमारे हिंदुस्तान में बाज मकाम पर पाया जाता है अलबत् ये हर शहर में आम नहीं है लेकिन चूंकि ये मुसलमान औरत की इज्जत से मुतक मामला है लिहाजा इस पर रद्द करना और इसकी संगीनी को बताना शरअन ये हराम है इसकी वजाहत करना वाजिब है आइए मैं इनशा इस एपिसोड में इस निशस्त में आपके सामने उन वजूहत को रखूंगा जिनकी बुनियाद पर यह निकाह हराम होता है सबसे पहले अगर हम शलफ़ में देखते हैं इस निकाह के ताल्लुक से या इस जैसे निकाह के ताल्लुक से तो इमाम औजाई रहमा और इमाम मालिक रहमा ने इस निकाह को हराम करार दिया फरमाया कि यह रुमाल रजूली किसी ऐसे शख्स पर जिसकी ये नीयत है कि वो किसी औरत से शादी करेगा और शादी करने के बाद एक मखसूस मद्दत के बाद तलाक दे देगा ऐसे शख्स पर निका करना हराम है यानी ऐसा निकाह हराम है हमारे उस्ताज शेख सलेमानफिज ने इसी कौल को राजे करार दिया है गरचे इस मसले में अख्तलाफ है लेकिन शेख हफिजेही इनशा भी है किसी शख्स के लिए जायज नहीं है कि इस निकाह के लिए वो कोशिश करे या ये निकाह करे बलिलवाजिब अलही तज वजह बिनियति दईमु वाजिब यह है कि निकाह हमेशगी के लिए करे यानी हमेशा बाकी रहने के लिए हमेशा साथ में रहने के लिए और इस नीयत से कि वो उसको अपनी बीवी हमेशा बना करके रखेगा इस नीयत से निकाह करे फिन आवाह मास्तला कालक अगर कभी मुस्तकबिल में ऐसा हुआ कि आपस में नाचाकी हो गई इख्तिलाफ हो गया आपस में साथ नहीं बन पा रहा है तो ऐसी सूरत में अगर उसे यह लगता है कि इस मसले का हल यह है कि तलाक दे दिया जाए अलग अलग हो जाए तो कोई मसला नहीं है तलाक दे लेकिन मसला तब है जब कोई शख्स पहले से नीयत कर ले और इस नीयत के साथ निकाह करे कि मैं मुस्तबिल में उसे तलाक दे दूंगा यह मसला है यह जायज नहीं है ये हराम है नीयत जो निकाह का एक अहम मकसद भी है वह नीयत ये होनी चाहिए कि हमेशा साथ रहें कहा अम्मा तज्वज वह तलाक फहाजा हराम फरमाया शादी करे और दिल में ये पुख्ता इरादा किए हुआ है जाजिम इरादा है नीयत एकदम पुख्ता है कि वो तलाक दे ही देगा जब कभी रुख्सत होगा तलाक देगा तो पहले से पुख्ता इरादा किए हुआ है कहा यह हराम है ऐसे अमल को हराम अमल कहेंगे लिहाजा इससे बचना वाजिब है इसकी कई एक वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि इसमें धोखा है क्योंकि औरत यह समझ रही है कि आप उसके साथ हमेशा रहेंगे यह औरत समझ रही है आपने उसे खबर नहीं दी दुनिया वाले यह समझ रहे हैं कि आप हकीकी निकाह कर रहे हैं। लड़की वाले लड़की दे रहे हैं इस खुशी में कि चलो हमेशा का एक मसला हो गया यह शोहर अभी बनकर रहेंगे लोग ये समझ रहे हैं जबकि आपके दिल में पहले से ये बात है एक चोर मौजूद है कि आप तलाक देंगे ये धोखा है और इस्लाम ने धोखे को हराम करार दिया है चाहे वो किसी भी मामले में हो खरीदो फरोख्त में हो निकाह में हो या फिर ये के दीन बताने में हो हर एक मामले में धोखे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया अबूरा रजियन से रवायत है फरमाते हैं किन्ना रसूल अल्लाह सल ढेर के पास से गुजरे उसमें अपना हाथ दाखिल किया फनाल असाबू बन तो हाथ में तरी महसूस हुई जब अंदर दाखिल किया तो ऐसा लगा अंदर में कोई गीली चीज है फकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा हाजा या साहिब ताम भाई ये क्या है गल्ला वाले तुम गल्ला बेच रहे हो ये तुमने क्या कर रखा है मा हाजा काल उसने कहा कि असाबत हु या रसूल अल्लाह ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश नाजिल हुई जिसकी वजह से ये भीग गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों नहीं तुमने ये हुई चीज को भीगे हुए गले को ऊपर रखा ताकि लोग इसे देखते नबीम ने फरमाया मन गश् और बाद रिवायत में है ना फलई समन्ना इस रिवायत में है मन गशा फलई समिनी कि जिसने धोखा दिया वो मेरे तरीके पर नहीं है वो मुझसे नहीं है इस्लाम ने धोखे को हर एतबार से हराम करार दिया है चाहे मामलात में हो शादी ब्याह के मामला में हो, या फिर ये कि तजारती अमूर में हो इस्लाम ने धोखा हराम करार दिया के दीन के फैलाने में अगर कोई धोखे से काम ले रहा है तो ये सबसे बड़ा धोखा है क्योंकि दीन आपको सही तरीके से बताना है जो अल्लाह रबुलमी ने दीन बनाया है जो अल्लाह के रसूल सल्हु वसलम ने दीन बनाया है आप वो दिन बताएँ वो दिन नहीं जो आपकी आसानी के हिसाब से हो और वो दिन नहीं जिसमें आप लोगों का ख्याल रखें दिन सिर्फ और सिर्फ बताते वक्त अल्लाह रबीन की रजा का ख्याल रखें तो ये सबसे बड़ा धोखा है अलबत् ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है क्योंकि ये धोखा मुसलमान औरतों की इज्जत से मुतल है जो निकाह के बाद में धोखा है कि तलाक की नीयत से निकाह करना ये मुसलमान औरतों की इज्जत से खेलना है और दीन इस्लाम पांच अहम मकासद की हिफाजत के लिए आया है जिनमें से इज्जत की हिफाजत एक मकसद है और अगर यह मकसद खत्म होता है किसी अमल से यह मकसद जायल होता है तो लाजिम है कि उस अमल को ख़त्म किया जाए जायल किया जाए दूर किया जाए और वो अमल शरअन हराम करार दिया जाएगा मकासद शरिया जो है जो बुनियादी तौर पर पांच हैं उनमें से यह एक अहम मकसद है और इस नीयत से निकाह करना के तलाक दे दूंगा यह हकीकतन इस मकसद को खत्म करना और जायल करना है तो पहली वजह यह है कि ये धोखा दही में है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक गल्ला और अनाज के मसले में ये कहा कि तुम धोखा ना दो जो भीगी हुई शह है उसको ऊपर डाल दो ताकि लोग देख दाख करके ले अगर उनको पसंद आए तो ले ले नहीं पसंद आए तो छोड़ दें ले, लेकिन धोखा दे रहे हो यह गलत है वैसे ही निकाह के मसाले में आप पहले बता दें कि देखें मुझे ऐसा ऐसा मसाला है हो सकता है मैं हमेशा रहूं हो सकता है ना रहूं अगर आप ये कह देंगे तो कोई भी आपसे शादी नहीं करेगी क्यों क्योंकि कोई भी चंद दिनों के लिए आपकी जोजियत में नहीं रह सकती है कि आप सिर्फ फायदा उठाएं चंद दिन और फिर चले जाएं उसे छोड़ करके फिर जो औलाद होगी उसके बाद चूंकि वो पहले मुमकिन है कि बाकरा हो यानी कुंवारी हो उसका कुरापन खत्म हो जाएगा जो उमूर है इसकी भरपाई कौन करेगा इस बुनियाद पर तो कोई भी शादी नहीं करेगी और आप ये जान रहे हैं तभी तो उस नीयत को दिल में रखे हुए बता नहीं रहे और इसी को धोखा कहते हैं और इस्लाम में धोखा हराम है हराम अमल इस्लाम में गैर काबिल कबूल होता है यह पहली वजह दूसरी वजह है कि इसमें ऐसा करने से यानी तलाक की नीयत से निकाह करना ये औरत को नुकसान पहुंचाना है और हम जानते हैं कि इस्लाम ने किसी को नुकसान पहुंचाने से मना किया है और इस्लाम ने नुकसान उठाने से भी मना किया है चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वादर नुकसान किसी को पहुंचाओ और ना ही खुद नुकसान उठाओ अब अगर हम इससे उसूल ये एक कायदा है फिकी कायदा भी है और हदीस रसूल भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम इस हदीस को या इस कायदे को यहां फिट करते हैं तो हम जानते हैं कि अगर कोई शख्स तलाक की नीयत से निकाह करता है तो आगे जाकर के औरत को नुकसान होगा बहुत सारे मसाइल आएंगे और खसूस हमारे इस माशरे में हिंदुस्तान के और बर सगीर के माशरे में ऐसी औरत जो तलाक़ याफ्ता हो खूस उससे और जिसके शोहर वफात पा गए हो उससे भी कोई शादी करना नहीं चाहता जल्दी दूसरी शादी का तो रिवाज तकरीबन नहीं है लेकिन ऐसी औरत से निकाह करना पसंद नहीं करते हैं लोग कहते हैं तलाक याफ्ता है लड़की की गलती होगी तलाक क्यों पड़ी उन्हें क्या पता कि उस लड़के ने पहले से अपने दिल में चोर बैठा रखा था और शादी की ताकि उसे छोड़ दे लड़की की गलती नहीं है लेकिन मुआशरा ऐसा हो गया है कि सिर्फ लड़की की गलती निकालता है और उस पर आप मतुआफोकबाज ले, ले कि उस पर मुस्तजाद ये है कि दूसरे और तीसरे निकाह को ऐसा समझा जाता है जैसे कोई जुर्म किया हो हकीकतन इस मामले में हमारा मुआरा बहुत इस्लामी एतबार से बहुत नीचे है तो इसको एक तो आम कीजिए और दूसरा ये कि ऐसी औरतों को आप जरूरी ये नहीं है कि गलत समझे इस जहनीयत को खत्म कीजिए तो इसमें औरत को नुकसान पहुंचेगा तीसरी वजह कि इसमें मुता की मुशाबहत है मुता क्या है कि एक महदूद मुद्दत के लिए निकाह करना और फिर तलाक देना तलाक की नीयत से निकाह एक महदूद मुद्दत के लिए निकाह करना फिर तलाक देना बात दोनों बराबर है तो जब बात दोनों एक है यकसा है तो फर्क कहां है क्यों हमने इसे अलग जिक्र किया है क्योंकि मुता में पहले से तमाम चीजें वाजे कर देते हैं और बता देते हैं कि तीन दिन के लिए तीस दिन के लिए शादी कर रहे हैं अलबत्ता इसमें छुपा करके रखते हैं तो मुतआ तहरीम के मामले में और एक जो खराबी है संगीनी है बुराई है उसके मामले में मुतआ जो है वो थोड़ा इससे हल्का हुआ क्योंकि उसमें वाजे होता है लड़की राजी हो, होती है तभी शादी होती है तो ये इससे कम दर्जे का हुआ और ये जो मामला हुआ ये उससे ज्यादा संगीन हुआ कि लड़की की रजा के बगैर आप ऐसा निकाह कर रहे हैं मुता में तो रजामंदी पाई जाती है चे जाए कि वो हराम है जिस पर बात गुफ्तु आ चुकी पिछली किस्तों में लेकिन ये जो मामला है ये उससे बदरज़े औला हराम है कि निकाह मुता की मुशाबात है बल्कि अगर दोनों को आपस में तोला जाए वजन किया जाए तो इसकी हरमत निकाह मुता की बनिस्बत ज्यादा संगीन है तो इस वजह से भी ये हराम है चौथी वजह कि निकाह मुता के हरमत की जो वजह है निकाह मुता के हराम होने की जो वजह है वो नबी अकरम अलैहि वसल्लम की हदीस में मनकूल है चुनानचे अबूरा रजों से मरवी है फरमाते हैं खरज नाम आ रसूल सल्लास हम रसूल सल्लाम के साथ निकले फी गजवती तबूक गबूक में

जिनके साथ उनके कुछ लोगों ने कुछ मर्दों ने उनके शोहरों ने तमत्तो किया निकाह मुता किया। सुम्मा फारकु हुन। फिर उन लोगों ने उन्हें छोड़ दिया तलाक दे दी ये उस वक्त इब्तदाई इस्लाम में जैसा कि बयान आया कि इब्तदाई इस्लाम में बाज मकामात पे एक मुख्तसर मुद्दत के लिए जायज किया गया था उन्हीं अयाम में यह वाक्य पेश आया तो जब नबी अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो फरमाया इन अल्लाह हर रम औदम का इन अल्लाह हर अल्लाह रब्बुल रबुल ने हराम करार दे दिया रावी को शक है रावी ने एक दूसरा लफ्ज बयान किया कहते औद मुता तलाक निकाह और इद्दत के जरिए अब मुनहदिम कर दिया गया खत्म कर दिया गया तो इस हदीस में हमें सबब समझ में आया कि आखिर निकाह मुतामत की वजह क्या थी ऐसे तो बुनियादी तौर पर सबब यह है कि अल्लाह ने हराम करार दिया ये बुनियादी सबब है और बुनियादी सबब यह है कि नबी अक्रम सल्लाम ने इसकी हुरमत को बयान किया ये बुनियादी सबब है लेकिन उनमें से एक इल्लत यह भी है कुछ लोगों ने निकाह किया और छोड़ दिया जब छोड़ दिया तो ऐसी औरतें अब जाहिर सी बात है बिला निकाह रह गई उनकी जो एक कुंवरगी है कुरापन है वो भी जायल हुआ और अब उनसे निकाह करने वाले मिले ना मिले ये भी एक मसला है तो कई एक मसायल थे और फिर जब एक खास ताल्लुक तुक बीवी के दरमियान शोर और बीवी के दरमियान कायम होता है तो ये जो ताल्लुक है ना जब निकाह के जरिए ये ताल्लुक कायम होता है तो इसकी वजह से मोहब्बत कायम और साबित हो जाती है बल्कि बढ़ जाती है आप अगर जना और निकाह दोनों का मुजना करेंगे जना में मोहब्बत खत्म होती है वो जो एक जाहिरी मोहब्बत होती है वो हकी नहीं होती है वो मोहब्बत खत्म होती है जबकि निकाह के जरिए मोहब्बत बढ़ती है और क्यों बढ़ती है क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वह जाबई नकुमत रहम रब ने ये मोहब्बत और ये रहमत दोनों के दरमियान बनाई है तो जिस मोहब्बत और जिस रहमत को अल्लाह रब्बुल आलमीन डाले वो मोहब्बत कम नहीं होगी वो मोहब्बत बढ़ेगी तो निकाह के जरिए मोहब्बत बढ़ती है और खसूस तौर पर जब एक मियाँ बीवी का खास तल्लु कायम हो जाता है तो मोहब्बत और भी बढ़ती है इसलिए अल्लाहबा ने कहा कि वक़द अफवाबा के बाद बाज की तरफ एक दूसरे से चिमट गए हों तो ये जो मसला है कि इसके बाद अब तलाक का होना तो यहां तो बात होती है ना ये तो एक फित्री अमर है कि रोना आएगा तकलीफ होगी इस वजह से नबी अलैहि वसल्लम ने इन तमाम उमूर को जहन में रखते हुए कहा कि अब ये मामला हराम हो गया अब अभी जायज नहीं है तलाक की नीयत से निकाह करना सेम मामला है एकदम वही है जो निकाह मुता में है लिहाजा सबब जब एक हुआ मुता का भी मुता हुरमत का सबब के लोग छोड़ देते हैं और फिर औरतें बिला शोहर के रह जाती है तलाक की नीयत से निकाह करना वो भी वही बात है लोग छोड़ देते हैं औरत बिलार के रह जाती है दोनों सबब एक हुआ तो जब सबब एक हुआ तो हुक्म भी एक होगा इसीलिए जो उसूली उलमा है वो कहते हैं कि अल अलहुक्मती वन वदमा हुक्म जो है इल्लत के साथ होता है जब इल्लत और सबब पाई गई हुक्म लगेगा जब इल्लत और सबब नहीं पाई गई हुक्म नहीं लगेगा यहां इल्लत और सबब पाया गया हुकुम लगेगा। पांचवी चीज है पांचवी वजह है कि ये मुसलमान औरतों की इज्जत के साथ खेलना है क्योंकि आप आज एक निकाह कर रहे हैं कल दूसरा आएगा वो ऐसा करेगा तीसरा करेगा चौथा करेगा अगर इस निकाह को जायज करार दे दिया गया तो ना जाने कितने लोग अपनी जगह को अपने शहर को अपने वतन को छोड़ करके कहीं और मुंतकिल होते हैं ये लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में है अब समझ सकते हैं कि हर आए साल हर आए दिन हर एक महीने के बाद बेशुमार ऐसे वाकयात आपके सामने आएंगे कि औरतें बेवा हो रही हैं औरतें तलाक याफ्ता हो रही हैं औरतों को उनके शौहर छोड़ करके जा रहे हैं फिर आरे का क्या मामला होगा सूरत हाल क्या होगी कितनी संगीन होगी आप समझ सकते हैं इससे तो ये इज्जत के साथ खेलना है लिहाजा इस निकाह को हलाल करार देने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ करें। ये हमारी बनाई हुई कोई शय नहीं है हमारे घर का या हमारे खाने पीने का मसला नहीं है कि जो हमारे जहन में आया हमारी राय में आया हमारे समझ में आया हमने जायज़ करार दिया ये सब बुनियादी तौर पर अल्लाह का दीन है और जब आप फतवा दें तो ये याद रखें कि इस फतवे के ताल्लुक से आपसे क्यामत के दिन सवाल किया जाएगा आपने क्या जवाब दिया था चुनाचे बिन अब्बा सज्लाम से जब किसी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुझे वक्त दो मैं जवाब दूंगा बात रिवायत में है कि एक साल के बाद जवाब दिया और कहा कि क्या तुम्हें यह लगता है कि हमसे अल्लाह रबुल आलमी क्यामत के दिन हमारे जवाब के ताल्लुक से सवाल नहीं करेंगे तो आपसे आपके जवाब के ताल्लुक से क्या क़्यामत के दिन पूछा जाएगा इसलिए जो कह रहे हैं उसकी जवाबदही के लिए तैयार रहें अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम लोगों को दीन की सही समझ अता फ़रमाए और सही दिन बयान करने की तौफीक अता फ़रमाए आमीन व आखिर दावाना रब्लमी व आलैक्म व बरकातहू ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें